दीना जिन्ना का नाम शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा। वो भारत विभाजन और लाखों हिंदुओं के कत्लेआम के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी थी। जो व्यक्ति मानते हैं कि जिन्ना का धर्म निरपेक्ष और महान था, वो लोग सिर्फ खानदानी मुगलिया भाट हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पारसी लड़की रतनबाई से शादी की थी। रतनबाई के पिता दीन शाह इस शादी के लिए राजी नहीं थे। 42 साल की अधेर जिन्ना ने प्रेम जाल में फंस कर अपने 24 साल छोटी रतनबाई से इस्लाम कबूल करवाया और निकाह पढ़वा लिया था। धर्म परिवर्तन के बाद रतनबाई का नाम बदलकर उनका नाम मरियम जिन्ना रखा गया। हालांकि ये भी सही है कि खुद रतनबाई ने इस नाम का इस्तेमाल कभी भी नहीं किया था। दीना मोहम्मद अली जिन्ना और रतनबाई की इकलौती संतान थी। उनका जन्म लंदन में 14 अगस्त 1919 को आधी रात को हुआ था। दीना के इस दुनिया में आने से जिन्ना को बहुत खुशी नहीं हुई। जिन्ना की करीबी दोस्त सरोजिनी नायडू ने लंदन में नवजात बच्ची और उसकी माँ रति से मिलने के बाद लिखा था, रति एक कमजोर पतंगे की तरह दिख रही थी, वो बहुत खुश नहीं दिख रही थी। कारण वही जो आज 2021 में भी इसी श्रेणी की लड़कियां किसी मजहबी से शादी करने के बाद महसूस करती हैं। जब दीना महज 2 महीने की थी, जिन्ना परिवार मुंबई लौट आया। दीना को नौकरों की देखरेख में छोड़ दिया गया, जबकि दोनों दो दिशाओं में चल पड़े। इसके तुरंत बाद जिन्ना राजनीति में व्यस्त हो गए, जबकि रति हैदराबाद में अपने दोस्तों से मिलने चली गई। वो अपने कुत्ते को साथ लेती गई, लेकिन अपनी नवजात बेटी को वहीं छोड़ दिया। 6 साल की उम्र तक जिन्ना परिवार की ये इकलौती बच्ची बेनाम रही और एक नर्सरी के दायरे में बंद रही। उसके बाद का लंबा समय दीना के लिए बेहद कष्टप्रद रहा, पर मुंबई की ख्यात औद्योगिक परिवार की उनकी नानी लेडी पेटिट उनके लिए अवतार बनकर आगे आई, जिसने उन्हें युवा अवस्था तक संभाला। 1938 में युवा दीना ने अपने पिता मोहम्मद अली जिन्ना से एक गैर मुसलमान आदमी नेविल वाडिया से शादी करने की इजाजत मांगी। नेविल वाडिया उस वक्त ईसाई थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने पुश्तैनी पारसी धर्म को अपना लिया था। अपने इकलौती बेटी दीना के मुंह से शादी की बात सुनकर 42 साल की युवा में 18 साल की छोटी आयु वाली रतनबाई से शादी करने वाला जिन्ना ने कहा कि 19 साल की उम्र उसके लिए काफी कम है और उसे एक अच्छे मजहबी लड़के के लिए इंतजार करना चाहिए। जिन्ना ने अपनी बेटी को कहा कि भारत में लाखों योग्य मजहबी मुसलमान लड़के हैं, जिनसे ब्याह कर वो अपने मजहब का पालन करते हुए सुखी और सम्मानित जीवन जी सकती है। जिन्ना की इस बात से सन्न दीना अवाक थी। उन्हें अपने पिता के असली मजहबी चरित्र को देख कर बेहद दुख हुआ था। अपने पिता के दोहरे चरित्र से आहत दीना ने कहा कि इंडिया में लाखों मुसलमान लड़कियां थीं, फिर भी आपने एक पारसी लड़की से शादी क्यों की? जिन्ना ने जवाब दिया कि वह मजहबी मुसलमान बन गई थी। गुस्से में कांप रहे जिन्ना ने उससे पूछा कि क्या निवल हमारे मजहब को कबूल कर मुसलमान बनने को तैयार है? दीना ने कहा, नहीं, लेकिन मैं शादी उसी से ही करूंगी। जिन्ना ने कहा कि तब मैं तुमको अपनी बेटी नहीं कह सकता। ये फैसला अब तुम्हें करना है कि तुम जिन्ना की बेटी कहलाना चाहती हो या एक गैर मजहबी की पत्नी। टेक्सटाइल मिलों के मालिक वाडिया सभी तरह से एक योग्य वर थे, लेकिन जिन्ना का विरोध इस बात पर था कि वो मुसलमान नहीं है और इस वजह से ये उनके लिए एक राजनीतिक शर्मिंदगी का सबब था। दीना ने अपने पिता के घोर विरोध के बावजूद नेविल वाडिया से शादी की और दीना वाडिया के नाम से जानी गई। पाकिस्तान बनने के बाद वह भारत में ही रही। 1948 में जीना की मौत के बाद वह अपने पिता को सपुर्दे खाक करने के मौके पर पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए गई थी। उसके बाद भी वह एक बार पाकिस्तान की यात्रा पर गई थी, लेकिन कभी भी पाकिस्तान की नागरिकता हासिल नहीं की। कई सालों से वह न्यूयॉर्क में अपने घर में रह रही थी और 3 वर्ष पहले 2 नवंबर 2017 को उनका देहांत हुआ। दीना वाडिया के बेटे नुस्ली वाडिया, जो वाडिया ग्रुप के चेयरमैन हैं, 2021 में आज भी मजहबी चरित्र वही है जिसका अनुपालन अकबर, औरंगजेब, जिन्ना या उसके जैसे असंख्य मजहबी लोग करते आए हैं, पर फर्क यही है कि पहले से ज्यादा मारक और घातक हो चुका है।